कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जब आप अपने खान पान में थोड़ा सा भी ऐसा बदलाव करते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, तो इससे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। ये आपको हार्ट की परेशानी दे सकती है। इसके लिए जरूरी है आप अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए करते हैं अपना आज का विषय शुरू। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ताकि आप बॉडी में होने वाली परेशानियों से दूर रहे। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट शामिल करें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आप अपनी डाइट में बादाम, अखरोट और पिस्ते को जरूर शामिल करें। इनमें फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन सही मात्रा में होते हैं, जो बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। आपको रोज इन सभी को मिलाकर कुल 5 से 10 दाने खाने हैं। ध्यान रहे, घी तेल में भुने और नमकीन मेवों का सेवन न करें। इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो हाई बीपी की समस्या का आपको शिकार बना सकता है। बादाम और अखरोट को पानी में भिगोकर और पिस्ते को वैसे ही छीलकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। पानी में भिगोने से बादाम और अखरोट में मौजूद फैट कम हो जाता है और इनमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। जिन लोगों को अखरोट से एलर्जी है तो वो इसको ना खाएं। अगला है लहसुन। लहसुन में कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होते हैं, इसलिए आपको रोज सुबह लहसुन की 2 कलियां छीलकर खानी चाहिए। ध्यान रहे, लहसुन के गुणकारी तत्वों का फायदा लेने के लिए आप बाजार में बिकने वाले गार्लिक सप्लीमेंट की जगह कच्चा लहसुन खाएं, ये ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल का सेवन बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल तब बढ़ता है जब आप अधिक तेल मसाले का सेवन कर लेते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप ऑलिव ऑयल का सेवन करें। सामान्य तेल की अपेक्षा में ऑलिव ऑयल 8% तक खराब कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करता है। आप खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ओट्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओट्स में फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है और इसमें बीटा ग्लूकोन भी सही मात्रा में होता है। यह आपकी आंतों की सफाई करता है, साथ ही पेट की तकलीफ से भी आपको बचाता है। अगर आप खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रोज सुबह नाश्ते में ओट्स को शामिल कर सकते हैं। ओट्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लगभग 6% तक कम कर सकता है। अगर आप बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आप अपनी डाइट में मछली को शामिल करें। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसको आप सप्ताह में 2 बार स्टीम्ड या ग्रिल्ड करके खा सकते हैं। इसके साथ ही अपनी डाइट में अलसी के बीज को जरूर शामिल करें। ये बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। बेहतर होगा कि आप साबुत बीज की जगह पिसे हुए बीज का यूज करें। अगर आप धनिये के बीजों के पाउडर को 1 कप पानी में उबाल कर दिन में 2 बार पीते हैं तो इससे बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और आप हार्ट की संबंधित परेशानियों से दूर रहते हैं। साथ ही ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे किडनी स्वस्थ रहती है। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में प्याज, संतरा, आंवला, नारियल का पानी, मूंगफली, अंकुरित अनाज, सेब का सिरका और नींबू पानी को शामिल करें। इससे बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और आप स्वस्थ रहते हैं। आपको बता दें कि बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है,
जो आपको किडनी की बीमारी का शिकार बना सकता है। इसके लिए जरूरी है आप अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ना दें और इससे किडनी भी स्वस्थ रहे। साथ ही आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन है जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं इस बात की पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।